इंदौर में हुए छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी एक तरफा जीत की ओर अग्रसर हुई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभी विभागों में एबीवीपी और एनएसयूआई में कड़ी टक्कर देखी गई है। एबीवीपी की तरफ से विश्वविद्यालय अध्यक्ष पद के दक्षिता गढ़वाल का नाम सबसे ऊपर है। दक्षिता गढ़वाल एबीवीपी की प्रांत कार्यकारिणी की पदाधिकारी है और गत वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में भी एनएसएस की तरफ से शामिल हुई थी। हमारे विशेष कार्यक्रम टुडे स्पेशल में हमारी टीम ने एक्सक्लूसिव चर्चा की विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष की दावेदार दक्षिता से। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पूरी तरह संपन्न हो चुके हैं और इंदौर देवेलिया विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र संघ अध्यक्ष बनी है दक्षिता गढ़वाल। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दक्षिता हमारे साथ चर्चा करने जा रही है हमारे विशेष कार्यक्रम टुडे स्पेशल में। दक्षिता, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और साथ ही एक अच्छा नाम विद्यार्थी परिषद ने निकाल करके लाया है, क्योंकि कई बार आप पहले भी इससे नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं, नेशनल स्तरों तक पहुँच चुकी है। अब कैसा लग रहा है आपको विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष बनकर? अभी छात्र संघ अध्यक्ष ऐसी घोषणा कुछ भी नहीं हुई है। अभी केवल हम लोगों का जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें सीआर निकालना, पहले सबको सीआर जीत के आना होता है। तो अभी मैं मेरी क्लास से क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव जीती हूँ। अभी अध्यक्ष पद का चुनाव अभी संगठन तय कर रहा है, वो होगा, वो निर्णय सर्वमान्य। इससे पहले भी आप नेशनल लेवल्स पर पहुँच चुकी हैं, कई प्रकार के आप इवेंट्स में, किस प्रकार के नेशनल इवेंट्स में आप जा चुकी हैं और राष्ट्रपति से शायद आपको पुरस्कार भी मिल चुका है, किस प्रकार का पुरस्कार था? मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की भी वॉलंटियर हूँ और क्लास 11 से वॉलंटियर हूँ। कॉलेज में आकर भी मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था और मैं इसी साल 2017 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए सिलेक्ट हुई थी, जो राजपथ पे होती है, और उसी परेड के चलते हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी से भी मिले थे। इसके अलावा भी अभी आने वाले समय में हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना का काम और बढ़ाने वाले हैं। इसके साथ ही अभी एक मेरा इंग्लैंड जाने का तय हुआ है, एक यूथ डेलीगेशन जा रहा है, उसमें मेरा चयन हुआ है कुछ दिनों पहले। तो ये सब राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सब लोगों के साथ प्रतिनिधित्व करने का मुझे देश का मौका मिलेगा। दक्षिता, इससे पहले भी विश्वविद्यालय की जो ओवरऑल छात्र संघ अध्यक्ष थी वो भी एक लड़की बनकर निकली थी, वर्षा शर्मा, जिसे लोगों ने खूब पहचाना था और उन्होंने भी बच्चों की खूब मदद करी थी। इस बार आपका क्या उद्देश्य रहेगा, किस प्रकार से बच्चों की मदद करेंगे? हम लोग विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही यूनिवर्सिटी में छात्र हित के मुद्दों को लेकर एक्टिव रहा है और बहुत अच्छी बात है, हम लोग उन्हें मिलकर छात्र संघ चुनाव की डिमांड करी थी, छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो अब हम और मजबूती के साथ उन मुद्दों पर बात कर पाएंगे। मजबूती के साथ मुद्दे जैसे छात्र संघ ये अपना छात्रावास में जो सुरक्षा व्यवस्था है, गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमने पिछले दिनों आवाज़ उठाई थी, बॉयज़ हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर हमने आवाज़ उठाई थी, हमारे जो नॉर्मल प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, एग्ज़ाम्स हो गए, टीचर्स की कमी हो गई, बेसिक फैसिलिटीज़ को लेकर हो गई, सिक्योरिटी को लेकर हो गई, स्कॉलरशिप को लेकर हो गई, इन सभी समस्याओं का मिलकर अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि एबीवीपी का बहुत अच्छा एबीवीपी को बहुत सपोर्ट मिला है, एबीवीपी के सीआरस निकल कर आए हैं, तो हमारे जो पूरे मुद्दे अभी तक चलते आ रहे हैं उनको हम और स्ट्रांगली अब रिप्रेजेंट कर पाएंगे और उनका निराकरण भी कर पाएंगे। विश्वविद्यालय की एक समस्या थी क्योंकि विश्वविद्यालय अभी भी जो स्वच्छता की रेटिंग थी उसमें कहीं ना कहीं नीचे आया था और स्वच्छता की रेटिंग में नीचे आने के कारण विश्वविद्यालय की किरकिरी भी हुई थी। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें विश्वविद्यालय पीछे है, क्या उन्हें आगे लेने के लिए आप किसी प्रकार के काम किए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आगे ले जाने के लिए काम करे जाएंगे। स्वच्छता की जैसे आप बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल उसके, जैसे कि मैंने बताया, मैं खुद एक एनएसएस वॉलंटियर भी हूँ, तो हम लोग सब मिलकर एनएसएस, एबीवीपी, हम लोग सिर्फ एक पार्टी विशेष या कोई ऑर्गेनाइजेशन विशेष, ऐसा कुछ भी नहीं, स्वच्छता मिशन बड़ा मिशन है, उसमें हम सारे मिलकर एक साथ पूरा अवेयरनेस का काम करेंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी और ऊपर आए। इसके अलावा डीएवीवी की जो पोजीशन है, डीएवीवी की ओवरऑल पोजीशन है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऐसे जो बड़े विश्वविद्यालयों के नाम चलते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिशन बड़ा रहता है एडमिशन के लिए, उस तरह का माहौल डीएवीवी के लिए भी बने कि यहाँ बहुत अच्छा माना जाए कि नहीं, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं, इस तरह का माहौल बनाने का हमारा पूरा पूरा प्रयास रहेगा। कहीं ना कहीं एबीवीपी को जो है बीजेपी से जोड़ कर रखा जाता है, उसके विचार आपस में मिलते जुलते हैं और ये कहा जाता है कि जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आने वाले समय में भाजपा के पदाधिकारी बनते हैं, तो क्या आपका ऐसा कुछ पॉलिटिक्स में जाने का आगे का कोई ड्रीम? मेरा ऐसा अभी, मैं मानती हूँ कि मेरा अभी ऐसा, हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि हम कहाँ जाएंगे या क्या करेंगे, वो भगवान की दया से जो होगा बिल्कुल अच्छा होगा। अभी जो ये सीआर है ये कोई पॉलिटिकल पद नहीं मानती मैं मानती हूँ कि हमें सेवा करने का मौका मिला है, ये कोई पॉलिटिकल पद नहीं है कि इसके जीतने के आधार पर हम आगे की
पॉलिटिकल लाइफ तय कर लें। ये एक सेवा का मौका मिला है, ये हमें काम करने का मौका मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसे ही हम आगे लेके जाएंगे। कुछ मुद्दों की बात करें, अगर दो तीन मुख्य मुद्दे रहेंगे तो सबसे पहले किन मुद्दों पर आप निर्णय लेना चाहेंगे और छात्र संघ जो बनकर आया है उसे किन मुद्दों पर आगे वर्कआउट करवाएंगे? सबसे पहले तो जो हमारी जो टीचर्स की कमी है उनको लेकर हम जाएंगे। छात्रा सुरक्षा का मुद्दा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उठा चुके थे उस बात को, उस पर हम करेंगे। स्वच्छता वाली जो बात है, क्योंकि इंदौर नंबर वन है और DAV भी कुछ थोड़ा कम रह गया था, तो उसको हम बढ़ाने की बात करेंगे। ऐसे सारे मुद्दे हम लोग प्रायोरिटी पर रखेंगे। हमारे साथ मौजूद थी विश्वविद्यालय में CR चुनी गई और अब छात्र संघ अध्यक्ष की नॉमिनेट हो रही दक्षिता गढ़वाल। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय परिसर में जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं वो छात्रहित मुद्दों को लेकर के अब आगे चलेंगे और विद्यार्थी परिषद निर्विरोध अपनी एक नई जीत यहाँ से शुरू कर रही है। कैमरा पर्सन नीलेश करोसा के साथ अंशुल मुकाती, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।